और परमेश्वर ने कहा इन देशों में इतनी गड़बड़ी होगी फ्यूचर में, जस्ट उनको मैसेज आएगा रातों रात अपना घर खाली कर दो। प्रॉब्लम हो रही है, लोग घर खाली करके जा रहे होंगे, 3 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, फिर एकदम से उनको वार्निंग होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, बाइबल में आमोस 3:7 में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मरम बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के ऐसे कई दास भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया गया है जिनके ऊपर परमेश्वर कई रेवलेशंस को जाहिर करते थे, जिसमें आने वाले समय में होने वाली कई बातें उन्हें पहले ही पता चल जाती थी। और बाइबल में ऐसी कई भविष्यवाणियाँ हैं जो इन्हीं दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई, और इनमें से ज़्यादातर पूरी भी हो चुकी हैं, और कई भविष्यवाणियों को हम आज इस संसार में पूरा होता हुआ देख रहे हैं। दोस्तों, आज भी परमेश्वर इस संसार में अपने दासों के ऊपर कई रेवलेशंस को जाहिर करते हैं, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसके बारे में भी पहले ही बता देते हैं। और जिन दासों पर यह रेवलेशन जाहिर होते हैं उनमें से एक परमेश्वर के सामर्थी दास अपोस्टल अंकुर नरुला जी भी हैं, जिन्हें परमेश्वर ने रूहों को बचाने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए चुना हुआ है। और दोस्तों, अगर आपने पिछले कल की संडे लाइव मीटिंग को अटेंड किया होगा तो फिर आप यह भी जानते ही होंगे कि अब तक उनके द्वारा की गई कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं, जिनके बारे में मिनिस्ट्री के द्वारा भी बताया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, पिछले कल उन्होंने परमेश्वर के प्रकाशन से इस संसार में होने वाली और भी कई घटनाओं की भविष्यवाणियाँ की हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो क्लिप में जानेंगे। अपने हाथों को उठाओ। जब मैं वापस आ रहा था न्यूजीलैंड से, मेरी फ्लाइट जब मलेशिया से होके आ रही थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वो देश दिखाए, मलेशिया, थाईलैंड, और परमेश्वर ने कहा इन देशों में इतनी गड़बड़ी होगी फ्यूचर में, जस्ट उनको मैसेज आएगा रातों रात अपना घर खाली कर दो। प्रॉब्लम हो रही है, लोग घर खाली करके जा रहे होंगे, 3 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, फिर एकदम से उनको वार्निंग होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पाप जो है बड़ा महंगा पड़ता है। अपने हाथों को उठा उन देशों के लिए कि खुदाबंद के लोग भी वहां रहते हैं, और उन देशों की बड़े लोगों के लिए कि वो मन फिरा सकें। बाइबल कहती पाप के कारण देश उजड़ते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे उन देशों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिखाए। न्यूजीलैंड जाने के बिल्कुल बीच में वो देश आते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बिल्कुल बीच में, और ऐसा होगा आपके 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 देखने के अनुसार ही, और बहुत जल्द होगा। तो दोस्तों, आप संसार में शांति और प्रेम बना रहे, और साथ ही हर कोई परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बचाया जाए, इसके लिए प्रार्थना जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार को प्रचार करें, ताकि हर कोई उस सच्चे परमेश्वर के बारे में जाने और अपने जीवन को पाप और बुराई से अलग करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।